सन्यासी, ऋषि, संत, साधु और बौद्ध में क्या अंतर है? ये जो क्वेश्चंस हैं ये भारतीय दर्शन से, इंडियन फिलोसफी से संबंधित हैं। और भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन दो भागों में बढ़ता है या तीन भागों में आप कह सकते हैं बढ़ता है। पहला एक चार्वाक का फिलोसफी है। फिलोसफी शब्द दो शब्दों से बना, फिलो जमा सोफिया, फिलो लव टू नॉलेज, फिलोसफी को कहते हैं, ग्रीक भाषा के शब्दों से बना है। तो ये जो फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी है, एक चार्वाक का दर्शन है। दूसरा जो श्रवण संस्कृति है, जो बौद्धिस्ट और जैनों की संस्कृति है, और तीसरे में हिंदू संस्कृति आप कह सकते हैं, जो ब्राह्मणवाद की संस्कृति है। चार्वाक का जो दर्शन है, चार्वाक का दर्शन इस बात पर सीमित है कि खाओ पियो मौज करो, अगर घी ना हो तो उधार लेके खाओ, चार्वाक ने इस बात पर दिया है। और चार्वाक ने मरने के बाद कुछ नहीं होता, इस तरह अपने विचारों को चार्वाक ने रखा है। चार्वाक का एक तरह से हम देखें तो विज्ञानवादी है, भौतिकवादी है, और वो सुख चाहते हैं और हर संदर्भ में चार्वाक चाहते हैं। चारुवाक शब्द का मतलब, चार्वाक का मतलब ये है जो चारुवाक, जो सुंदर बोलते हो, जिनके प्रिय वचन हो या जो लोग जानते हों। दूसरा जो फिलॉसफी आती है, दूसरा फिलॉसफी आती है बुद्धिज़्म की, जिसमें बुद्धिज़्म में हम आपको बुद्धिज़्म की जो कल्चर है या जैन की कल्चर है, इसको श्रवण संस्कृति कहते हैं। और संस्कृति में संस्कृति, श्रवण संस्कृति में श्रम शब्द होता है। श्रम का मतलब है जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं। तीसरा प्रकार का जो शब्द है जिनसे संबंधित है, सन्यासी, ऋषि, संत और साधु। ये जो शब्द हैं ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से, हिंदू फिलॉसफी से संबंधित हैं। संत और साधु के बारे में एक मेन बात यह है, जब कबीर विद्यावती मालिका जी ने जो थीसिस लिखा है, संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, संत साहित्य पर बौद्ध धर्म के प्रभाव का मतलब है कि जितने भी भारत में संत हुए हैं, वो कबीर हुए, रविदास हुए, या नानक हुए, या दादू हुए, उन सब ने तथागत गौतम बुद्ध के धर्म का ही प्रचार लोगों में करा, और वो सब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। एग्जाम्पल के लिए जो मैं बता दूं, जब कबीर ये कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसे संत स्वभाव है, कि साधु का स्वभाव एक सूप की तरह होना चाहिए, साधु का स्वभाव एक छाज की तरह होना चाहिए, कि सार सार को कह ले थोता दे उड़ाए। तो ये जो संत और साधु का है, संत इंग्लिश में संत शब्द से ही सेंट शब्द बना है, SAINT। तो संत शब्द में संत रविदास, संत कबीरदास, या आप कह सकते हैं संत नानक। तो संत और साधु जो है एक तरह से जो आम आदमियों के लिए बुद्ध के धम्म की जो कल्चर संतों ने चलाई, उसमें संत और साधु सभ्य का समापन करा। हालांकि क्रिश्चियन रिलीजन में सेंट शब्दों का प्रयोग होता है, जो हिंदी के संत शब्द से ही सेंट क्रिश्चियन का बना है। जहाँ तक सन्यासी और ऋषि की बात है, दो शब्द सन्यासी और ऋषि हैं, ये दोनों जो शब्द हैं ये गैर वैज्ञानिक शब्द हैं। सन्यासी और ऋषि, ऋषि आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने, जो ऋषि वो लोग थे जिन्होंने, जो राम के एजेंट थे, जो ब्राह्मणवाद के एजेंट थे, यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने में जो लोग उनको भग्न करते थे, जो उनमें भंग पैदा करते थे, उन लोगों को, आदिवासियों को लोगों ने एक तरह से भंगी के नाम से, गाली के रूप में दिया। लेकिन ऋषि और सन्यासी वो आदमी हैं कि जो सन्यासी वो लोग थे जो अपने आप को, मतलब दुनिया को छोड़ के चले गए, जो अपने कल्याण के लिए लगे हैं, जिन्होंने मानव कल्याण से सन्यासी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही उसने कोई जनहित में, लोकहित में या राष्ट्रहित में किसी भी सन्यासी ने कोई काम नहीं करा। जो भी करा है उसने अपने लिए करा है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई काम किया उन्होंने ब्राह्मणवाद के लिए करा। जहाँ तक ऋषियों की कल्चर, मैं आपको बता दूँ, ऋषियों की कल्चर वैज्ञानिकवाद की कल्चर नहीं थी। ऋषियों की कल्चर ये रही कि साहब यज्ञ करिए, और यज्ञ करने के लिए ऐसे मौसम में करिए कि जो वर्षा का मौसम हो, जहाँ पर ऑलरेडी थोड़ी देर में वर्षा हो रही हो। ऋषि का मतलब ये था कि ऋषि जो थे वो ऑलरेडी
अंधविश्वास को फैलाने वाले लोगों की एक जमात थी जो कि विज्ञान से लोगों को भटकाकर ब्राह्मणवाद की तरफ लाते थे, यानी कि ब्राह्मणवाद के वो एजेंट थे, यानी कि वो उस कल्चर को कि जैसे वेद का एक मंत्र आता है कि वेद की हिंसा नहीं हिंसा होती, वेदों में यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी जाती थी वो बलि बलि नहीं है। तो चार्वाक ने इस पर क्वेश्चन उठाया था कि जिस पशु को आप यज्ञ में काटते हैं वो उसे क्यों काटते हैं, तो लोगों ने क्वेश्चन करा क्योंकि ये स्वर्ग जाएगा। तो चार्वाक ने कहा अपने बाप को क्यों नहीं काट देते, वो सीधा उसे सस्ते में स्वर्ग मिल जाएगा। तो ऋषि और सन्यासी ये पूरी तरह से दोनों शब्द हिंदू ब्राह्मणीज कल्चर के शब्द हैं जिन्होंने कभी लोक कल्याण की बात नहीं करी, मानवता को सुधारने की नहीं करी। और संत और जो साधु का शब्द का अर्थ है वो एक तरह से संत वाले कल्चर की, सेंट कल्चर की, यानी कि भक्ति युग के अंदर जो पैदा हुए लोग उन्होंने जो बातें करी उनका था, लेकिन वो लोग भी अंधविश्वास में ज़्यादातर फंसे हुए थे, ईश्वर और आत्मा को मानने वाले थे। इसलिए बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये बात कही कि किसी साधु या संत से किसी रास्ते की धूल तो उड़ सकी लेकिन किसी महल की कोई दीवार ना हिल सकी, कोई ईंट ना हिल सकी, उनसे समाज में कोई स्थायी परिवर्तन ना आ सका। स्थायी परिवर्तन से संबंधित है कि लोगों मंदिर बनाए या मंदिरों में जो भी लोग जाते थे उनसे छुआछात खत्म नहीं हो पाई, चाहे गुरु नानक हो, चाहे गुरु अपने रहीम हो, चाहे हमारे कबीरदास जी हों, चाहे हमारे गुरु रविदास जी हों, उन्होंने बहुत भरी हद तक परेशान करा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके जो शिष्य थे गुरु रविदास के या कबीरदास जी के अक्सर ब्राह्मण होते थे, और ब्राह्मण उनके मरने के बाद या जो लिखा पढ़े का काम करा था लोगों को भटकाने के लिए अपनी बात को अपने पास से घुसेड़ दिया उसमें या उनको दूषित कर दिया उनकी पवित्र वाणियों को। तो लॉजिक एंड रीज़न, तर्क और बुद्धि की कसौटी पर उनको आंकने की बात है। इनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, इनमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा है वो बौद्धों की है। बौद्धों की विचारधारा संत और साधु से, ऋषि से और सन्यासी से भी कम से कम 100 गुना बढ़कर है, क्योंकि वो बुद्ध की कल्चर पे कहते हैं हम किसी बात को कहते हैं तो इसलिए मत मानो कि हम कहते हैं, जब तक वो बात आपकी तर्क और बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो। उदाहरण के लिए एक हिंदू माइथोलॉजी में एक शब्द आता है दुर्भाषा ऋषि। दुर्भाषा का मतलब होता है जो बुराई बोलता हो, जो बुरा बोलता हो या दूसरों को श्राप देता हो या दूसरों का मतलब कि भला ना कर सके, हित ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें बुद्ध ने कहा कि जटा बढ़ाने से या बाल रखने से या इन चीज़ों से कोई आदमी महान नहीं बनता, ना संत बनता, ना साधु बनता है और ना ही वो श्रामीण बनता है। दो शब्द आते हैं इंडियन फिलोसफी में। पहला शब्द आता अरिहंत। अरिहंत जो है वो महावीर स्वामी की फिलॉसफी से संबंधित है। अरिहंत का मतलब है जिसने अपने दुश्मनों को मार दिया हो, अरिहंत। और ये सब जो है प्राकृत भाषा का, क्योंकि तथागत जो महावीर स्वामी हैं उनका जो दर्शन पाया जाता है वो प्राकृत भाषा में पाया जाता है। दूसरी तरफ जो पाली भाषा है, पाली का अर्थ होता है गाँव की भाषा, तो बुद्ध ने उनके लिए अरहत वर्ड का प्रयोग करा है। अरहत का मतलब होता है जिसने अपने दुश्मनों को मार दिया हो, और काम मोह लालच काम वासना इस तरह के वो पांच वाले जो दुश्मनों को अरी माने दुश्मनों को बताया गया है। इस तरह जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी में जो बुद्धिस्ट हैं, जो बुद्ध कल्चर के लोग हैं, वो पूरी तरह से वैज्ञानिकवादी हैं। और इस धरती पर बुद्ध ही पहले व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि किसी बात को अगर मैं कहता हूं तो इसलिए मत मानो कि मैं कहता हूं, जब तक वो बात आपको सही ना लगती हो, आपके बुद्धि की कसौटी पर सही ना उतरती हो। ये बात कहने की हिम्मत ना कृष्ण कर सके, ना ही इस बात को कहने की हिम्मत जैन कर सके, ना इस बात को कहने की हिम्मत मोहम्मद साहब कर सके, ना इस बात को कहने की हिम्मत एक तरह से आप कह सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट कर सके। और बौद्ध धर्म की जो आम भाषा थी, उन बौद्ध धर्म की आम भाषाओं को जीसस क्राइस्ट ने ही ग्रहण करके फैलाया था। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, रोगियों की सेवा करना, उनका इलाज करना और कम पढ़े लिखे लोगों को एजुकेशन देना, ये बुद्धिस्ट मिशनरी के काम थे जिन्होंने बाद में क्रिश्चियनों ने अपना लिया गया।
और जो भाईचारे की कंसेप्ट है फ्रेटर्निटी की, वो इस्लाम धर्म ने बौद्ध धर्म से ली है। तो मैं आपको बता दूं कि सन्यासी शब्द, ऋषि शब्द, ये पूरी तरह से अंधविश्वास के प्रतीक हैं। और संत और साधु जो शब्द हैं वो भक्ति युग के जो संत पैदा हुए हैं भारत में, ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और बौद्ध इनसे बेहतर इसलिए हैं क्योंकि बौद्ध ने बिल्कुल फिल्टर कर टू फाइंड आउट द ट्रूथ आफ्टर एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट दे हैव कम टू द कंक्लूजन कि सच्चाई क्या है। और एक सच्चा बौद्ध कभी सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ता है, जबकि ऋषियों की पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, और दूसरा सन्यासियों ने भी बच्चे छोड़ के गए थे, लेकिन बुद्ध के जो अनुयायी हैं, बुद्ध के अनुयायियों ने अपने जीवन में कभी भी वो अपने आप को हर तरह के काम से, मोह से, लोभ लालच से दूर रखा। इसलिए बुद्ध ने संपत्ति रखने पर भिक्षुओं पर रोक लगा दी गई। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।